करेंगे बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग, एक बहुत अच्छा चैप्टर, बड़ा चैप्टर, डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, एक आध चीज डिफिकल्ट है, वैसे तो बढ़िया समझ में। इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स हैं बेसिकली। देखा जाए इस चैप्टर के तीन मेन हैं, एक सिंपल प्रोसेस, एक वर्क इन प्रोग्रेस जब काम कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट काम, और एक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जब प्रॉफिट भी इन्वॉल्व। डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, अभी ये इस चैप्टर के टॉपिक्स। बात तो समझ में तभी आएगी जब टॉपिक आगे बढ़ेगा। सबसे पहले प्रोसेस, प्रोसेस कॉस्टिंग वहां लगती है जब एक प्रोसेस से माल दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से बाहर आ जाता है, या तीसरे से चौथे में जाता है, चौथे से बाहर आ जाता है। तो प्रोसेस ए का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस बी का इनपुट होगा, जो प्रोसेस बी का आउटपुट होगा वो प्रोसेस सी का इनपुट होगा। अब प्रोसेस सी मान लो लास्ट है तो उससे माल निकलेगा और बिक जाएगा, तो एक में से माल निकल के दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा, ऐसे लास्ट वाले में जाकर वहां से तैयार होकर बाहर आ जाएगा। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स देता हूं जैसे मैं आपको प्रोसेस अकाउंटिंग के। एक है पब्लिकेशन ऑफ बुक्स का, देखिए मैंने दो एग्जांपल दिए। तो यहां मैंने ये बताया कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है वहां पे जो वर्क होता है वो पार्ट्स में कंप्लीट होता है, एक चेन सी बन जाती है, जब वो सारे चेन में से निकलकर बाहर आता है तब तैयार होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पब्लिशिंग ऑफ बुक्स का, उसमें पहले बुक्स की प्रिंटिंग होती है, छपाई होती है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, एक बार में 16 पेज छपते हैं, 8 एक तरफ 8 पीछे की तरफ, उसको दस्ता भी बोलते हैं। फिर बाइंडिंग और फोल्डिंग होती है, वो 16 पेज छपते हैं ना, फिर उसकी बाइंड करते हैं, पहले फोल्ड करते 16 पेज का सेट, 16 तो पूरे खुले होंगे, 8 आगे 8 पीछे, फोल्ड करने का स्टाइल होता है, वैसे फोल्ड करते फिर वो बाइंड हो जाती है। तो जब फोल्ड होते तो कागज जुड़े होते हैं, तो फिर बुक जैसे फोल्ड होगी ना, ऐसी किताब बन गई, फिर उसको तीन तरफ से काट देते हैं, इधर से और इधर से, इधर से नहीं काटते, तभी तो वो खुलेगी ना वहां से। कई बार आप देखोगे आपके पेज चिपके होते हैं बुक के अंदर, आपने कटर से उससे काटते हो, इसलिए कट चिपके रहते हैं कि उसकी कटिंग नहीं होती, क्योंकि 8 पेज एक साथ छपते हैं ना, तो कट करने से वो 16 छपते हैं, पेज 8 होते हैं आगे पीछे मिला के 16, तो कट होने के बाद वो 16 पेज बन जाते हैं। समझ आ गया? तो पहला प्रोसेस प्रिंटिंग, दूसरा फोल्डिंग एंड बाइंडिंग, बाइंडिंग भी बोल देते हैं क्योंकि फोल्ड होकर बाइंड होती है, और तीसरा कटिंग, बुक तैयार है। इसी तरह मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया। दूसरा, पहला होता है इसमें स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब होता है धागा बनना, फिर होता है वीविंग, धागे से कपड़ा बनता है, फिर होता है डाइंग, कपड़े पे कलर चढ़ा देते, फिर होता है प्रिंटिंग, उस पर छपाई होती है, चादरें होती हैं, आपने देखा होगा भाई, जेंट्स शर्ट्स भी होती हैं, लेडीज सूट्स तो बहुत होते हैं जो प्रिंटेड होते हैं, वो प्रिंटिंग होती है, चादरें तो सारी ऐसी ही बनती है। चादर में देखोगे ना, एक तरफ कलर होगा, एक तरफ नहीं दूसरा होगा, वो प्रिंट डाई हो, प्रिंट होने से ना एक तरफ कलर आता है। समझ आ गया? तो ये होती है प्रोसेस कॉस्ट। तो अब बातें बनाता रहूं प्रोसेस की, समझ तो कुछ आएगा, बच्चे कहेंगे बताई बताई जा रहे हैं, बताइए काम का कुछ समझ में आने लगा, वो आएगा ना हौले हौले। ये वो क्वेश्चन है जो आपके सारे तत्वों को क्लियर करेगा। ठीक, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि एक प्रोसेस, एक काम तीन प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहले प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट है, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट है, तीसरे का आउटपुट बिक जाता है। अब बता रहा है हमें तीनों की अलग अलग बात। कह रहा पहले प्रोसेस के अंदर हमने 10,000 यूनिट डाले 20 रुपए के हिसाब से, उस पर फिर हमने 15,000 रुपए और खर्चा, 10,000 और खर्चा, 15,000 लेबर पे, 10,000 ओवरहेड्स पे, इसका माल तैयार होकर प्रोसेस बी में चला गया। प्रोसेस बी में 20,000 का मटेरियल लगा, 35,000 की लेबर लगी, 20,000 का ओवरहेड लगा, फिर इसका माल जो प्रोड्यूस हुआ वो चला गया प्रोसेस सी में, उस पर 40,000 का मटेरियल लगा, 55,000 की लेबर लगी,
30,000 के ओवरहेड्स लगे और ये माल तैयार हो गया और 90 रुपए के हिसाब से बिक गया, समझा। तो इसमें तीन प्रोसेस अकाउंट बन जाएंगे, देखिए ऊपर नीचे और फिर नीचे। नॉर्मल टी शेप्ड अकाउंट, डेबिट साइड पे खर्चे आएंगे और क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर्स आएंगे। जैसे मैं आपको सिंपल से करके दिखाता हूँ, एक यूनिट का कॉलम है, एक अमाउंट का। पहले सिंपल से दिखाता हूँ, यहाँ आएगा टू मटेरियल, जो मटेरियल लगा, टू लेबर, जो लेबर लगी, टू ओवरहेड, जो ओवरहेड का खर्चा हुआ। तो डेबिट साइड पे सारे खर्चे आए। माल तैयार हो गए, कहाँ चला गया? प्रोसेस बी में। ये प्रोसेस बी लिख दिया, इस प्रोसेस का नाम है प्रोसेस ए। दो कॉलम बन गए, यूनिट्स का और अमाउंट्स। आइए पहला प्रोसेस ये पूरा करते हैं, वापस क्वेश्चन में जाते हैं। 10,000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से लगे, 15 का लेबर और 10 का ओवरहेड। 15,000 लेबर, 10,000 ओवरहेड, 10,000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से 2,00,000 रुपए टोटल खर्च हुए। तो इस प्रोसेस में 10,000 यूनिट पर 2,25,000 खर्च हुए और ये 10,000 यूनिट हमारे यहां से निकल के प्रोसेस बी में चले गए। कैसा लगा जी, कोई डाउट तो नहीं है ना? अब प्रोसेस बी में हम लिखेंगे टू प्रोसेस ए। क्यों? प्रोसेस ए से माल आया ना 10,000, कितने की? 2,25,000। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट में जो चीजें आ रही हैं, खर्चे हो रहे हैं वो आ जाएंगे, क्रेडिट में जो जा रहे हैं वो आ रहे। कैसा लगा बेटा? अब इसमें ऊपर से खर्चा होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल देखिए 20, 35, 20, 20,000, 35,000, 20,000। अब ये 10,000 यूनिट जो है 2,25 + 20 + 35 + 20 3,00,000 रुपए हो गए, हाँ के ना? तो ये बाय प्रोसेस सी में चले गए, 10,000 यूनिट 3,00,000। राजेश समझ आ रहा है या ऐसी है? इजी लग रहा, मुश्किल? इजी। अब प्रोसेस सी में आ गया, क्या लिखोगे यहां पे? प्रोसेस बी, कितने यूनिट आए? 10,000, कितने के? 3,00,000। यहां ऊपर से मटेरियल लगेगा, ऊपर से लेबर लगेगी, ऊपर से ओवरहेड लगेगी। देखिए कितना कितना बोले, थर्ड 40, 55 और 40,000, 55,000, 30,000। अब कह रहा है ये सारा का सारा माल बेच दिया, देखिए 90 रुपए के हिसाब से बेच दिए। तो यहां आ जाएगा बाय बैंक 10,000 यूनिट, कितने के? 9,00,000। नौ लाख में से 3,40,000, 55,000, 30,000 घटा दो तो 4,75,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा, सीपीएल कॉस्टिंग पी। बताइए आनंद आया के लिए? बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रोसेस का दे दिया। लिखिए बेटा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसका हमें अंदाजा होता है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं नागपुर से संतरे लाकर दिल्ली बेचता हूं और मुझे मालूम है कि हर 12 संतरे के पीछे 2 संतरे वेस्ट हो जाते हैं,
खराब हो जाते, भाई आते हैं ना पिचक जाते हैं, खराब हो जाते हैं। संतरे की जो कॉस्ट है मुझे नागपुर में पड़ती है ₹1 पर यूनिट। अब कोई वैसे पूछता है कि भाई संतरे की कॉस्ट क्या है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा ₹1, मैं कहूंगा देखो मैं 12 संतरे लेके चलता हूं ₹1 के हिसाब से, ₹12 के, जिसमें से 2 मेरे खराब हो जाते हैं, तो मेरे को 10 संतरे पड़ते हैं ना साहब ₹12 के, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, 12 / 10 ₹1.20। नहीं समझ आ रहा, तो मैं ₹12 जो कॉस्ट है वो 12 संतरों की नहीं मानूंगा, 10 संतरों की मानूंगा, एक संतरा ₹1.20 का पड़ेगा तभी मुझे फायदा होगा। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि ₹1 का एक संतरा पड़ रहा है, मैं ₹1.10 का बेचूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं 12 संतरे लेके चलूंगा ₹12 के, पहुंचेंगे 10 संतरे ₹1.10 के हिसाब से, बिकेंगे 11 के, नुकसान होगा हर बार ₹1 का, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि लाता सस्ता हूं बेचता महंगा हूं फिर भी घाटा। सोच की गलती थी ना, सही सोच यह है कि हम बोलेंगे हमारे को संतरा ₹1 का नहीं पड़ता, ₹1.20 का। अब अगर मैं ₹1.30 के हिसाब से 10 संतरे बेचूंगा ₹13 मिलेंगे, ₹12 कॉस्ट है, ₹1 प्रॉफिट हो गया। कैसा लगा, क्लियर? अब एक स्थिति की और कल्पना कीजिए कि जो संतरा खराब हो जाता है, क्या जो संतरा खराब हो जाता है वो भी मेरा आठ आने का बिक जाता है, शैंपू बनाने वाली कंपनी ले लेती है ऑरेंज शैंपू, उसमें पिचके हुए संतरे का माल पत्ता डाल के बना लेती है, तो आठ आने के हिसाब से वो संतरा मेरा कितने के बिक गए, ₹2 के। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई मुझे ₹11 के 10 संतरे पड़ते हैं, अर्थात एक संतरा ₹1.10 का पड़ता है। मैं कहूंगा देखो भाई नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, मैं 12 संतरे लेके चलता हूँ, ₹1 का एक संतरा खराब हो जाता है, 11 संतरे मेरे को मिलते हैं, 10 संतरे ₹11 के 10 संतरे मुझे मिलते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ 12 संतरे लेके चलता हूँ ₹1 के हिसाब से, ₹12 के 2 संतरे खराब हो जाते हैं पर उसका ₹1 मिल जाता है, तो इसका मतलब जो 10 संतरे मेरे मिलेंगे वो मुझे पड़ेंगे कितने के, 11 के, तो एक संतरे की कीमत क्या हो गई ₹1.10। तो एक संतरे की कीमत मैं ₹1.10 मान के चलूं। तो ये जो मैंने कहानी सुनाई इसको आप एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इस चैप्टर के अंदर जब भी कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। आप कहेंगे देखिए मेरी टोटल कॉस्ट है ₹12, ₹1 मुझे मिल जाते हैं नॉर्मल लॉस के, मेरे 12 यूनिट में से 2 यूनिट खराब हो जाते हैं, तो इसका मतलब ₹11 कॉस्ट आती है 10 यूनिट की, तो एक यूनिट मुझको कितने का पड़ा, ₹1.10। कैसा लगा? तो आइए अब इसको आराम आराम से बातों को स्टडी करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। फॉर्मूला समझ में आ गया, टोटल कॉस्ट ₹12 माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस ₹1, टोटल यूनिट्स 12 यूनिट, नॉर्मल लॉस यूनिट 2 यूनिट, एक यूनिट पड़ा हमें ₹1.10। देखिए अब मैं इनके मतलब समझा रहा हूं। नॉर्मल लॉस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज दैट लॉस ऑफ मटेरियल विच इज इनहेरेंट इन नेचर ऑफ वर्क। इनहेरेंट मतलब जो होगा ही होगा, बच नहीं सकते आप इस, ये नुकसान ये आपको होगा ही होगा, चाहे आप कुछ करें, पंखे से भी लटक जाए तब भी ये नुकसान है, बच नहीं सकते, इनहेरेंट है। सच वेस्टेज कैन बी एस्टिमेटेड इन एडवांस, चूंकि इनहेरेंट है तो आपको शुरू से अंदाजा हो जाता है कि कितना नुकसान होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मुझे पता था हर 12 संतरे के पीछे मेरे 2 पिचकते हैं, कभी ज्यादा कभी कम लेकिन एवरेज 2 पिचकते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से, अपनी नॉलेज से, प्रोडक्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से हम बता सकते हैं कि नॉर्मल वेस्टेज कितनी होगी।
जब तक ये वेस्टेज इस लिमिट के अंदर होगी तो उसको नॉर्मल वेस्टेज ही माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से सुनो, मेरे कहा कि 12 के पीछे कितने संतरे वेस्ट होते हैं, दो, दो नॉर्मल वेस्टेज है। मान लो इस बार भाई साहब तीन हो गए, ओ तीन हो गए, तो मैं कहूंगा दो नॉर्मल लॉस हो गया, एक एबनॉर्मल लॉस हो गया। ले सकते हैं, नॉर्मल दो ही माना जाएगा, एक को हम मानेंगे एबनॉर्मल जो एक्स्ट्रा। अच्छी किस्मत थी भाई साहब, इस बार केवल एक ही संतरे का नुकसान हुआ। आहा, अब हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लॉस दो, एक को एबनॉर्मल गेन कहेंगे। यानी नॉर्मल लॉस हर स्थिति में हम दो ही मानेंगे, भले एक्चुअल लॉस ज्यादा हो भले एक्चुअल लॉस कम हो। अगर एक्चुअल लॉस ज्यादा होगा एक्स्ट्रा लॉस को एबनॉर्मल लॉस कहेंगे, अगर एक्चुअल लॉस कम होगा जो बचत हो जाएगी उसको एबनॉर्मल गेन कहेंगे। नॉर्मल लॉस हर केस में दो ही बोला जाए, चाहे एक्चुअल लॉस दो हो तीन हो एक हो। आगे बस रहा, अब ये मैंने बताया आपको फॉर्मूला जो सिखाया कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली जाएगी, टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस अपॉन टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। हमारे वाले एग्जांपल में 12 संतरे 1 रुपए के हिसाब से 12 रुपए के आए, 2 संतरे 8 आने के हिसाब से बिक गए, टोटल 12 संतरे थे, 2 का नुकसान हुआ, 1 रुपए 10 पैसे कॉस्ट आ गए। तो आप देखो जो नॉर्मल लॉस मुझे हुआ वो लॉस गुड यूनिट्स पर नहीं बट गया, दो यूनिट मेरे खराब हुए कितने रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपया मैंने वसूल लिया बेचकर, नेट लॉस क्या हुआ 1 रुपया। सही संतरे कितने हैं, 10, 1 रुपए को 10 संतरे पे बांट दो, पर संतरा कॉस्ट क्या आ गई 10 पैसे, तो 1 रुपए से बढ़कर कॉस्ट 1 रुपए 10 पैसे हो गई ना सब संतरों की। नहीं समझ आई बात, तो जो नुकसान हमें नॉर्मल लॉस का होता है वो हम गुड यूनिट्स के ऊपर बांट देते हैं, यानी गुड यूनिट्स की कॉस्ट को क्या कर देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं। यही बात ऊपर लिखिए, व्हेन द वेस्टेज फेचेज नो वैल्यू, मतलब वो संतरे बिके ही नहीं, तो फिर हम 2 रुपए जो 12 रुपए कॉस्ट है वो 10 संतरों की मानेंगे और एक संतरे की कॉस्ट क्या आएगी 1 रुपया 20 पैसे। The cost of normal wastage is absorbed by good production units of the process and the cost per unit of good production units increased accordingly. तो वो 1 रुपए से बढ़कर क्या होगी 1 रुपए 20 पैसे। If normal wastage realizes some value, जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 50 पैसा के हिसाब से, the value is credited to process account, उससे कॉस्ट कम हो जाएगी, क्रेडिट कर दोगे खर्च, कॉस्ट तो डेबिट होती है, अगर क्रेडिट करोगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगी 1 रुपए 10 पैसे। समझ आ गया भाई, क्वेश्चन करूंगा उससे और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं आपको समझना है। 20,000 यूनिट है, 10 रुपए के हिसाब से हम खरीदते हैं, प्रोसेस ए में डाल देते हैं, प्रोसेस ए में ऊपर से 25,000 खर्च होता है लेबर पर, 35,000 खर्च होता है ओवरहेड्स पर, 10% नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस 2 रुपए का बिकता है, एक्चुअल लॉस में हुआ 2,000। तो नॉर्मल लॉस इस केस में क्या होगा, 20,000 का 10% 2,000, एक्चुअल लॉस भी क्या हुआ है 2,000, अच्छी बात है मैच हो गया, तो ना एबनॉर्मल गेन है ना एबनॉर्मल लॉस। इसमें हम दो अकाउंट बनाएंगे, ऊपर प्रोसेस अकाउंट जैसे पहले सिखाया था वैसे, नीचे नॉर्मल लॉस अकाउंट, और बीच में कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला लगा दिया। अब करके दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा। देखिए पहले टू मटेरियल 10,000 यूनिट है, नहीं 20,000 यूनिट है, चेक करिए 20,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, लेबर 25, ओवरहेड 35, 25, 35, 10 रुपए के हिसाब से 2,00,000 के, लेबर ओवरहेड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ,
अब यहां लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस, जिसकी हमें उम्मीद थी। वो कितनी उम्मीद थी? 20,000 का 5%, यानी 2,000। ये 2,000 की रकम यहां लिख दें यूनिट्स, एक मिनट, 10%। वो मैंने लिख दिया 5, क्योंकि मैंने 10 गलती से पहुंचा, 10 था, 5 दूसरे क्वेश्चन में वो दिमाग में चल रहा, 10%, 2,000। और नॉर्मल लॉस बिकते कितने का है? 2 रुपए पर यूनिट। यहां पर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 4,000। तो नॉर्मल लॉस जो बिकेगा वो आप प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, मतलब इतना पैसा रिकवर हो गया, और नॉर्मल अकाउंट में डेबिट कर दोगे। यहां लिख दोगे प्रोसेस ए 2,000 यूनिट 4,000 रुपए, हाँ कि नहीं? तो बेटा नॉर्मल लॉस की अगर एंट्री सोचो क्या होगी, नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस ए क्या हो जाएगी? नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए 4,000। क्लियर होगी एंट्री, राइट? बाद में इसको बेच दोगे तो 2 रुपए का बिकेगा ये, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर? बाय बैंक पैसा आएगा ना, तो बैंक डेबिट होता है, बाय बैंक हो जाएगा। 2,000 यूनिट कितने के बिक गए? 4,000 के, सारा हिसाब खत्म। तो बेचने पर एंट्री क्या करोगे? बैंक टू नॉर्मल लॉस कितना? 2,000। योगेश जी आपको समझ आया? सर वैसे प्रोसेस अकाउंट जो है वो कौन सा है नेचर? नॉमिनल है, प्रॉफिट निकलेगा इससे, खर्चे दिखा रहे हैं, इनकम दिखा रहे हैं, सारे नॉमिनल है, नॉर्मल लॉस भी नॉमिनल है। पर्सनल और रियल तो होते हैं, पर्सनल बंदों से रिलेटेड होते हैं, रियल एसेट से रिलेटेड होते हैं। ना तो कोई अकाउंट एसेट से रिलेटेड है, ना कोई बंदे से रिलेटेड है, सारे नॉमिनल है। डेबिट साइड पे खर्चे, क्रेडिट साइड पे इनकम। तो प्रोसेस में डेबिट में खर्चे दिखा दिए, नॉर्मल लॉस हमने नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर किया तो इनकम होगी उसकी, वो क्रेडिट साइड पे दिखा। अब नीचे आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया मेरे बेटे, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट क्या होगी? 2,00,000 जमा 25 जमा 35, 2,60,000। रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस ये वाली फिगर होगी 4,000। टोटल यूनिट्स ये वाली फिगर हो गई 20,000। नॉर्मल लॉस यूनिट ये वाली फिगर हो गई 2,000। अब आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 2,60,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 18 देते 18,000। अब ये जो है बाय प्रोसेस ए है तो माल किस में चला जाएगा? प्रोसेस बी में 18,000 यूनिट। इन 18,000 यूनिट को 14 रुपए 22 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, कीमत आ जाएगी 2,56,000। देखना ये यार 0.99999 आ गया, तो उसको राउंड कर दोगे 2,56,000। कैसा लगा? तो राजे याद रखना है कि नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो पहले से प्रिडिक्टेड है, जिसकी हमें श्योरिटी है, जिसका हमें पता है कि ये लॉस होगा, जिसका हमें अंदाजा है। तो नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट होती है और नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट होती है। फिर जो पैसा उसको मिलता है बेचने से बाय बैंक हो जाता है। मान लो कभी कभार कम ज्यादा मिल गया तो जो नॉर्मल लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस यानी CPL में चला जाएगा। मान लो 2 रुपए का नहीं बिका, 1 रुपए 90 पैसे का बिका, थोड़ा सा लॉस आ जाएगा तो वो कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग पीएल। कैसा होगा? डेबिट साइड पे सारे खर्चे, क्रेडिट साइड पे बाय नॉर्मल लॉस रियलाइजेबल वैल्यू पर, एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू पर कहां बेच दिया? नॉर्मल लॉस अकाउंट में। मजा आया? लिख दी, ये क्वेश्चन आ गया आपका।
क्लियर? या सर, आगे।